नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। संसद का सत्र कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। संसद का सत्र आज से 3 जुलाई तक चलेगा और संसद सत्र के पहले दिन यानी कि आज 280 नव निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन यानी कि 25 जून को 264 नव निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और इसके बाद में 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद में 3 जुलाई तक दोनों सदन चलेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही देर और जिसके बाद में सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज 280 सांसद शपथ लेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ लेंगे। आज पहला दिन है और पहला दिन बेहद खास माना जा रहा है और साथ ही इस बार विपक्षी तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है और विपक्ष भी अब जिन मुद्दों को लेकर युवाओं में नाराजगी है या बाकी सारे मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश की 8वीं लोकसभा के पहले सत्र की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ लेंगे और 11 बजे से कार्यवाही शुरू होनी थी और साथ ही प्रोटेम स्पीकर और साथ ही अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम आज शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद में 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर सबसे पहले शपथ लेंगे। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद में प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य सांसद के तौर पर शपथ लेंगे और इस पैनल के सदस्य प्रोटेम स्पीकर की अनुपस्थिति में सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अभी पैनल में 5 सदस्यों को रखा गया है। तो पैनल में कांग्रेस से के सुरेश, बीजेपी के राधा मोहन सिंह और साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते, डीएमके के टीआर बालू और टीएमसी के सुदीप शामिल किए गए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि उनके सांसद पैनल का हिस्सा नहीं होंगे और इसलिए वो सदस्यों को शपथ नहीं दिलाएंगे और के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने का विरोध भी कर रहे हैं। विपक्षी खेमे की तरफ से विरोध किया गया और मंत्रियों में राजनाथ सिंह सबसे पहले शपथ लेंगे। पैनल के सदस्यों की शपथ के बाद में कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू होगा और इसमें सबसे पहले राजनाथ सिंह शपथ लेंगे और इसके बाद में क्रमवार तरीके से अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही मनोहर लाल खट्टर और अन्य कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों के बाद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री शपथ लेंगे और मंत्रियों के शपथ के बाद में वर्णमाला क्रम से राज्यों के सांसद शपथ लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार के सांसद विष्णुपद रे, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और इसी तरह से वर्णमाला क्रम के अनुसार राज्यों के सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और राष्ट्रपति नई सरकार के कामकाज की रूपरेखा पेश करेंगे। अब देखिए जानकारी जो मिल रही है, नए सत्र की शुरुआत हो गई है और देखिए जो जानकारी मिल रही है, सत्र के पहले 3 दिन में नवनिर्वाचित सदस्यों को ही शपथ दिलाई जाएगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वेस्टेड विद ग्रेट एंड ऑनरस रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री एंड आवर पीपल हैज बीन इलेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडरिंग द सॉलेमनिटी ऑफ दिस ओकेजन and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha.
इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वेलकम ऑल द मेंबर्स. आई एम श्योर यू विल ऑल हेल्प द चेयर इन मेंटेनिंग द हाई ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस एंड देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द एडिफिस एंड द रूट्स ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटी. आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर एंडेवर. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikunnel, Sri Thalikottai Raju Thevar Balu, Sri Radhamohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then ministers of cabinet rank, ministers of state independent charge, and ministers of state. Thereafter, the names of other members, state, union, territory wise, in alphabetical order, will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members, which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Sri Narendra Modi. दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कोडिकोनिल सुरेश, श्री टी आर बालू, श्री राधा मोहन सिंह, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री सुदीप बंदोपाध्याय, कैबिनेट मिनिस्टर्स
श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।